चलो दोस्तों, आज हम जाते हैं एक डैम पे। मस्त बारिश का मौसम है, बहुत बारिश भी है, तो थोड़ा बारिश का आनंद लेने अपनी बाइक निकाल के जाते हैं डैम पे। वैसे रेनकोट तो पहना है, लेकिन आधा अधूरा पहना है, पूरा नहीं भीगना है भाई, क्योंकि ठंड का मौसम है, मतलब बारिश की वजह से थोड़ा ठंड का मौसम है, तो ज़्यादा भीगे और ऊपर से हवा भी लगेगी तो बीमार पड़ने की संभाव्यता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमें बीमार नहीं पड़ना है भाई, काम धंधे पे भी जाना है ना, बीमार नहीं पड़ना है। थोड़ा सा भीगेंगे लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे, इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ कैसा है डैम हमारे यहाँ का। जैसे मैंने बोला था भाई, कोकण तो कोकण है, यहाँ का नेचर एकदम बढ़िया। एक्चुअली वहाँ पे अपने कुछ दोस्त लोग गए हैं, तो वो सुबह जल्दी गए, हमें थोड़ा काम था इसलिए हम रुके। अभी देखते वो मिलने चाहिए वहाँ पे, वरना पता चला कि हम वहाँ पे गए और वो लोग वहाँ से निकले, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। ये देखो, वाओ, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ी है, सब पहाड़ी जंगल। चलो लेना पड़ेगा इसका, बैटरी का। वाटरप्रूफ कवर आता है इसको, वो लेना पड़ेगा बैटरी का जल्द से जल्द। लेकिन महंगाई इतनी है और गरीबी भी उतनी ही है, मेरी औकात नहीं है 2000 का कवर लेने की। ठीक है, मैं गरीब हूँ। साला 2000 का रेन कवर, मजाक है क्या? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। वाओ, ये देखो, वाटर 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 वाटर। कुछ लोग आते हैं और ऐसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं उनको बोलते हैं, अरे वाटरफॉल वाटरफॉल। भाई वाटरफॉल अलग होते हैं, ये खाली पानी बह रहा है। और वाटरफॉल के नीचे जाना अवॉइड करो बारिश के दिनों में, रिस्की है, रिस्की। तो अपन आ तो गए हैं, लेकिन रास्ता कंफ्यूजन है, रुको पूछते
है किसी से। श्रीगाव का डैम कुठे है? हा रोड गेला इथून जाऊ का? ओके बराबर रुके मतलब आपण। अरे अंकल को थैंक यू बोलना रह गया। थैंक यू अंकल। अरे इसको मोनो सस्पेंशन है ना, इसलिए अच्छा है, मतलब जो शॉक एब्जॉर्ब एकदम परफेक्ट करता है। अंदर तो बोले पिया बोले, अंदर बोले अंकल बोले, हम जाने ना। आई बड़बड़ तुम्हें। वहाँ पे किसी ने अगर पावर बैंक लाई हो तो अच्छा है, अपना कैमरा चार्ज पे लगाएंगे, नहीं लगाए तो कल जैसा हो जाएगा। मुझे मुंबई को हाईवे दिखाना था और रह गया। अंदर ही रहेगा, कोई मिले तो पूछेंगे। डैम कुटे काका? ओके धन्यवाद। ये वाड़ू में से गाड़ी सरक तो रही है लेकिन ठीक है, कंट्रोल हो रही है। मतलब अगर मुझे आदत है तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वरना वो कल जैसा सीन हो जाएगा। यहाँ अभी नहीं होगा, अभी तो मैं जान गया। रिसोर्ट रिसोर्ट कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस ये ऐसे रास्तों पे मैं 40-50 पे घुमा रहा हूँ। लोग भी क्या रहे, मतलब इधर से ही जाना मेरी जान। बहुत अंदर है उतना तो याद है मुझे। चलो डैम आतमध्येच आहे का? ओके मुझे लगा यहाँ से रोड पे पानी में गया, मैं डर गया। डरने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, टेंशन का एक वो लेने का। चलना आहेत अच्छा पुरा आहेत ना रोड सरळ? हां ओके ओके चला। एक सर मिले अपने, मतलब मेरे सीनियर है, चलो वो जा रहे हैं, अपन उधर जाने का, जाने का मजा करने का मजा लेने का। भाई टायर पे टप टप आवाज आ रहे है। डैम अजून पुढे आहे का? ओके हां ओके यही डैम है, यही डैम है। गाड़ी कहाँ लगा है? तो लड़के लोग ने गाड़ी कहाँ लगाई? चलो है।
भीड़ पहले उधर देख। चलो ये हाथी, ये इसको पावर मांगता है, पावर। अच्छा हाँ हाँ, उधर ही है वाटरफॉल है ना, उनका मैंने स्टेटस देखा था वाटरफॉल वाला, तो उधर ही है। अच्छा वो मुझे लगा चल के जाना है क्या। पानीच पानी आमच्या गावात। क्या करे, दोस्तों को मिलने की तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके। आराम से जाएंगे। आराम से धीरे। फर्स्ट गियर पे क्या है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है ना, तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड गियर पे अच्छे से निकल रही है। हाँ उधर ही चाहिए। प्लान में चेंज, लोकेशन चेंज, बैटरी तो लो होने को आई है। मुझे नहीं लगता सेकेंड लोकेशन एक्सप्लोर होगा, बट लेट्स सी, ट्राई करेंगे। चलो दूसरे लोकेशन के दौर पास आ गए हैं। क्या हुआ, चलो जी, इतना और चढ़ो तो डबा डबा रेसर बाइक को एडवेंचरस बाइक बना दिया। एडवेंचरस। पानी रे पानी। काय ना सगळं वावत असेल तो बुलेट राजा ऐकत नाही बघ तू बघ।
गाड़ी के ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, उसके ऊपर गाड़ी, चला रहा कोई अनाड़ी। वाह 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 क्या ही क्लाइमेट है, क्या ही मतलब भाई एक नंबर। दोनों बाजू से ग्रीनरी, नेचर एकदम मस्त। ऐसे कभी कभी यहाँ पे आजू बाजू में जंगली प्राणी भी दिखते हैं। मस्त लगता है जो भी है। और एकदम ऐसे खुला रोड, पूरा खुला, नो ट्रैफिक, बस चलाओ। बीच बीच में कहीं पे रोड ख़राब है अभी, वो बारिश की वजह से हो ही जाता है। और कोंकण का दूसरा एक सीन ऐसा है कि है ना, ये सब मिट्टी मिट्टी का रोड है सब, मतलब ये जो ज़मीन है ना वो मिट्टी वाला है, तो यहाँ पे रोड ज़्यादा टिकते नहीं है। टिका तो टिका भाई, बहुत चलेगा, या फिर अगर धस गया ज़मीन, वो मिट्टी धस गई तो फिर गया हो, फिर भूल जाओ। और फिर यहाँ पे जो भी रहते हैं MLA वगैरह, वो तो पहुँचते तो है नहीं यहाँ पे देखने के लिए कैसा रोड है, क्या चल रहा है। लेकिन मस्त है, जो भी है मस्त है, बढ़िया। अभी घाटी लगेगी, घाटी कलर चेंज होता है, कोई सतरंगी जैसा कलर आता है तो समझ जाने का कुछ तो गिरा है भाई, केमिकल वेमिकल। आराम से चलाओ, आराम से धीरे। और घाटी वाले एरिया में दूसरा ऐसा है कि ये पेड़ है थे ना, तो पेड़ के ऊपर से भी वो पानी या कोई ऐसे उनका द्रव्य निकलता है, एक लिक्विड ऐसा निकलता है जो चिपचिपा रहता है। तो ये रोड तो स्लीपरी तो होता ही है, होता ही है, आपको वीडियो में भी वो दिखेगा। और यहाँ से पानी कंटिन्यू बह रहा होता है, जब बारिश गिरती है तो रोड पे से पानी जाता है पूरा, तो है तो संभाल के जाना। कॉर्नरिंग ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, तो कॉर्नरिंग ना ही करो तो अच्छा है। गिराते गिराते गया है कोई ट्रक, कोई पड़ोसा ट्रक गिराते गिराते गयो है कुछ तो, समझा समझा कि नहीं समझा, या दो एक चमाट। ये वाटरफॉल्स वगैरह हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, एकदम नॉर्मल सी चिंदी। वाटरफॉल्स दिखने के लिए अच्छे होते हैं भाई, दूर से देखो, उनको छेड़ो मत, उनके अंदर आप जाओगे उनको छेड़ने के लिए तो फिर कब क्या होगा बता नहीं सकते, समझा। तो ऐसे देखो वाटरफॉल है, देखो दूर से देखो कितने मस्त है, कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखो मज़ा लो, छेड़ो मत उनको। आप उनके अंदर जाओगे उनको छेड़ने के लिए तो वो आपको ज़रूर से छेड़ेंगे, उल्टा छेड़ेंगे, ठीक है। अभी हमार कैमरा की बैटरी लो हो गई, ये देखो, ये चीज़ ना करो भाई, ये चीज़ ना करो, अवॉइड करो। अगर आपको पता नहीं है उस जगह की तो वो ये चीज़ अवॉइड करो, ऊपर से कब क्या गिरेगा आप सोच भी नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है ऊपर से, पेड़ की टहनी आ सकती है, छोटा कंकड़ आ सकता है, बड़ा कंकड़ आ सकता है, या तो पानी भी आ सकता है जोर से, वो लेके जाएगा ना। चलो तो अपने कैमरे की बैटरी हो गई लो, कभी भी हो सकता है बंद, समझे।